हेलो दोस्तों, ऑडियो वीडियो बहुत सार क्लियर है क्या? क्यों मेरे भाई, ऑडियो वीडियो बहुत सार क्लियर है क्या? एक बार ये बता दीजिए, क्यों ऑडियो वीडियो बहुत सार क्लियर है? स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका JKSSB तो पोस्टपोन हो चुका है। अब आपका रहा क्या DDA, क्या रहा आपका DDA। और DDA JEE मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, सपना होता है कि DDA JEE में कैसे जॉब पाएं। मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर जो भी DDA JEE की वैकेंसी आई है यार, एक गुड अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जितने भी एस्पिरेंट हैं। और यहाँ पर मैं पता क्या, मैं प्रयास करूंगा कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो सभी के सभी यहाँ पर कवर कर लिया जाए। स्वागत है यार सभी लोगों का। मिनी, अतुल, अनु, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं एक सुंदर सा मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है, द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट, सो डोंट एवर गिव अप। मतलब किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है आपको, क्या किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले बहुत चीजों को सोचना पड़ता है, लेकिन स्टार्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसके बाद सब कुछ क्या होता है, लीनियर चलने लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले अगर अभी तक आपने Adda 24/7 ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज को क्विज, कैप्सूल वगैरह ये सारा कुछ मिलता रहेगा। ओके, और हाँ, और आप लोगों के लिए हरियाणा जो SSC JEE है, हरियाणा जो JEE है, या SSC JEE है, RRB JEE है, अगर आप किसी में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, या इन सब का एक्सेस अगर आप एक में लेना चाहते हैं ना, तो आपने इंजीनियरिंग का महापैक परचेज कर लीजिए। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लव यू भाई, लव यू यार। तो गुड इवनिंग, चलो स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। क्या स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन, और फटाफट जवाब दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड जो भी आपको पता हो इन्वायरमेंट में, सबका सब यहाँ उनेर दीजिएगा, समझ गए ना, सबका सब यहाँ लाकर रख दीजिएगा। आपका भी तैयार होगा, दूसरे बच्चों का भी तैयार होगा। ओके, गुड इवनिंग विक्रम, कपिल। चलो भाई, इसका आंसर बताना है क्या है, इसका आंसर बताइए क्या है। इसका आंसर क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीस्ट इफेक्ट द, सबसे कम इफेक्ट डालता है पर कैपिटा डिमांड, सबसे कम इफेक्ट डालता है पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इन सिटी। बताइए क्या होगा, सबसे कम इफेक्ट डालता है, क्या सबसे कम इफेक्ट डालता है इनमें से। बी पार्ट, टाइप ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, अभी तक सबका गलत है, कपिल, पात्रा, सबका गलत है आंसर। क्वेश्चन को देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल लीस्ट इफेक्ट, सबसे कम इफेक्ट कौन सा डालता है पर कैपिटा डिमांड में वाटर। आप देखिए, साइज ऑफ सिटी में तो बिल्कुल डालेगा भाई, साइज ऑफ सिटी में डालेगा, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा होगा, ठीक ना। टाइप ऑफ पॉपुलेशन, टाइप ऑफ पॉपुलेशन, टाइप ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर बिल्कुल डालेगा यार, पॉपुलेशन, उसके रेशियो के, क्लाइमेट कंडीशन, बहुत सबसे ज्यादा तो क्लाइमेट कंडीशन यार। फेस्टिवल वाला कैसे डालेगा ये बताओ, फेस्टिवल वाला कैसे डालेगा, यही तो नहीं डालेगा। अरे वाह, सैनी जी आपका, मधु का आंसर सही है, डी पार्ट। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे अभी होली थी, हाल फिलहाल में क्या थी, होली थी। अब होली में ये गांव का आदमी था और ये शहर का आदमी था। अब अगर इसके रंग लगा होगा, इसके रंग लगा होगा, तो नियर अबाउट दोनों में सेम पानी लगेगा, दोनों में क्या लगेगा, सेम पानी लगेगा, ठीक ना। इस वजह से क्या होगा, पर कैपिटा जो सबसे कम लीस्ट इफेक्ट बोलेगा ना, वो फेस्टिवल में होगा। चलो अगले पार्ट में चलते हैं, द पॉपुलेशन ग्रोथ करो, पॉपुलेशन ग्रोथ करो क्या है ये बता दीजिए। सर्कुलर करो है, पैराबोलिक करो है, एस शेप करो है, कि स्ट्रेट लाइन है, इसका आंसर बताइए। एकदम सही है भाई, एक बार अगर सेशन में क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और चीजें मजा आ रही हो क्वेश्चन में करने में, तो एक बार जरूर आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ करो इज, और ये ऐसे क्वेश्चन है ना आपके DDA JEE में, आपके DDA JEE। देखिए, मेरा ये टारगेट है, आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, जो सब्जेक्ट चाहिए मुझसे बता दीजिएगा। जैसे इन्वायरमेंट का फर्स्ट आज है, सेकंड कल होगा, और इसके बाद, ये तो फर्स्ट सेकंड हो गया, इसके बाद आप कौन सब्जेक्ट, RCC स्टार्ट कर देंगे, RCC का एक लेक्चर लेकर आएंगे, RCC के बाद फिर से आप देखेंगे कि हाईवे, हाईवे है तो हाईवे, नहीं तो इरिगेशन, ठीक ना। ये सारे सब्जेक्ट हम लोग यहाँ करवाने वाले हैं यार। सर्कुलर करो, पैराबोलिक, मतलब इनको क्वेश्चन देते हुए भी शर्म नहीं आई थी, लेकिन आप ये पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरे भाई, आप क्या पढ़ लेंगे, आप ये पढ़ लीजिएगा यहाँ पर सर, कैसे पढ़ना है, लॉजिस्टिक करो, क्या लॉजिस्टिक करो को क्या बोलते हैं, यस करो, ये देखो ना, एस जैसे बना हुआ, एस जैसे बना हुआ, किस किस के बीच में होता है ये आपका पॉपुलेशन साइज वर्सेस टाइम, किसके किसके बीच में
पॉपुलेशन साइज वर्सेस टाइम के बीच में होगा, ठीक। और ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम ग्रोथ होगी। आपसे पूछ लेता है कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ होगा। हाईवे सर, इरिगेशन नहीं है, हाईवे लेकर आएंगे, ठीक। हाईवे, रेलवे, ये एक दिन में पूरा का पूरा, दो दिन में, जितने दिन भी दिन में। देखो हमारा टारगेट ये है कि हम आपको ऐसा कुछ नहीं कि पैसा वैसा, हम आपको पूरा का पूरा यहाँ पर फ्री पढ़ाएं, ठीक ना, हम आपको पूरा का पूरा फ्री पढ़ाएं। चलो कोई बात नहीं, तो ये यहाँ पर ये आप समझ गए। लेकिन आपसे अगर पूछ ले एक्सपोनेंशियल अनरिस्ट्रिक्टेड अगर ग्रोथ कर होगा, ये क्या है, ये आपके ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एग्जामिनर यार, ये अगर मैं इसको लेकर आया हूँ तो इनमें कुछ खास बात होगी। ये क्या है, लॉजिस्टिक जो कर्व है ना, क्या है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है। लेकिन एक्सपोनेंशियल में जो होगा क्या, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, ठीक ना। इसका कर्व कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा ये। इसको आप पैराबोलिक भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, पैराबोलिक भी बोल सकते हैं। शायद अब मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, क्यों, शायद अब मेरी बात समझ में आ पा रहे होंगे, अब मेरी बात समझ पा रहे होंगे। लॉजिस्टिक जो कर्व है ना, लॉजिस्टिक जो कर्व है वो एस शेप का होता है। ये कैसा होता है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होता है, ठीक। चलो अगले पार्ट में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये क्या है, द लास्ट थ्री डिकेड ऑफ द पॉपुलेशन इन द सिटी वॉज रिकॉर्डेड एज 20,000, 30,000, 40,000। वट इज द पॉपुलेशन ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी डिजाइन इफ द एडिक्वेट फॉर नेक्स्ट टू डिकेड। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं और मुझे उम्मीद है कि हर स्टूडेंट कर लेगा, मुझे उम्मीद है कि हर स्टूडेंट कर लेगा। लेकिन टाइम कौन सबसे कम लेता है ये देखा जाएगा, टाइम कौन सबसे कम लेता है ये देखा जाएगा। पात्रा का सी पार्ट आ गया, पात्रा का सी पार्ट, अन्नु का भी सी पार्ट। कैसे किया, देखिए मैं बता दूं, इन आप ऐसे भी कर सकते हैं इसी कुछ। देखिए जब एग्जाम में आए तो क्वेश्चन पे ही आप सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए सर, क्वेश्चन पे ही। इनके दोनों के बीच का डिफरेंस वन, इनके दोनों का डिफरेंस बीच वन, ठीक ना। कितना डिफरेंस होगा, वन डिफरेंस होगा बाई टू, कितना का डिफरेंस आ जाएगा वन, ठीक, वन डिफरेंस आ जाएगा। कितने डिकेड है, दो डिकेड है, दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू आ गया। यहाँ 40,000 है, 40,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ऐसे करना, ऐसे करना। लेकिन कुछ लोगों को ना समझ में आया होगा ना, तो मेरा काम है कि इसको पूरे तरीके से समझाना। और एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर जब ऐसे होना, तो आपको बताया हूँ जल्दी करने के लिए, अगर तीनों में जीरो बराबर है, जितने जीरो बराबर हैं उनको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। कितना बचेगा, 2, 3, 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, वन। इन दोनों का डिफरेंस वन होगा, तो एक्स बार यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन प्लस वन बाई टू, कितना आ गया, वन आ गया। तो अब अगर पी एन निकालना है तो 4 + nx बार होता है, 4 + 1 × 2, टोटल कितना आ जाएगा, 6। कितने जीरो कट किए थे, 4 0, 10^4। बताओ ऐसे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा ना बीएमसी। चलो ठीक है तुलपाल, हम दो दिन फिर बीएमसी लेकर आएंगे, बीएमसी आरसीसी, ठीक, बीएमसी और आरसीसी ये लेकर आएंगे। चलो अगले पार्ट में आ जाते हैं। ये बता दीजिए, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन, कई बार आया हुआ, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन एट वेल इज नोन एज, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। चलो इसका जवाब दो, एकदम सही है चंचल सैनी, एकदम सही है, इसका जवाब दीजिए। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन क्या कहलाता है, क्यों, क्या कहलाता है, स्पेसिफिक यील्ड कहलाता है कि स्पेसिफिक स्टोरेज कहलाता है। देखो स्टोरेज की बात हो नहीं रही तो इसको हटा दीजिए, स्पेसिफिक रिटेंशन कहलाता है कि स्पेसिफिक कैपेसिटी कहलाता है। डी पार्ट, सभी का डी पार्ट है, वेरी गुड, सभी का क्या है, डी पार्ट, गुड। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं, जब डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन हो जाए, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन होगा तो क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं। अगले पार्ट में, द एक्सेप्टेबल मिनिमम पीएच ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। और ये क्वेश्चन तो आपके डीडीए जेई में आया है, डीडीए जेई में का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला। बताइए यहाँ पर मिनिमम पूछा है, मैं आपसे मैक्सिमम भी पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम भी पूछ रहा हूँ, पीएच का कितना होगा और न्यूट्रल का कितना होगा, न्यूट्रल का पीएच कितना होगा, सभी के जवाब आप दीजिए, सभी का आंसर बताएंगे आप लोग। सी पार्ट,
देखिए इसकी जो रेंज होती है ना, इसकी जो रेंज होती है 6.5 to 8.5। तो अगर मिनिमम की बात करेगा, मिनिमम ये हो जाएगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ये हो जाएगा। और हाँ, जब आप ये बता दीजिए पीएच 7 होगा न्यूट्रल कहलाएगा, और अगला बता दीजिए पीएच 7 ग्रेटर देन 7 हो और पीएच आपका लेस देन 7 हो, तो बताइए कौन सा होगा। जब पीएच आपका लेस देन ये हो तो एसिड हो जाएगा, ये आपका बेसिक हो जाएगा। चलो जब पीएच की ही बात हो रही है, जब पीएच की ही बात हो रही है, क्यों, जब पीएच की ही बात हो रही है, तो आप मुझे एक बात ये बता सकते हैं, जो एसिड रेन होता है, क्या एसिड रेन होता है, इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच बता दीजिए एसिड रेन का, क्यों, एसिड रेन का पीएच बता दीजिए। यहां पर मेन मोटिव ये नहीं कि इसका आंसर क्या रहा, यहां पर ये है कि और इसमें कितने चीजें ऐड किया जा सकता है, समझ गया ना, इसका मतलब है कि और इसमें कितने चीजें ऐड किया जा सकता है। बताइए एसिड रेन कब होती है, एसिड रेन कब होती है, किसी का भी आंसर नहीं सही है। किसी का आंसर नहीं सही यहां पर। 5.7, कितना 5.7, जब पीएच लेस देन 5.7 होगा तब आपका क्या कहलाएगा, एसिड रेन कहलाता है। किसके वजह से होती है ये आप नोट कर लीजिएगा, किसके वजह से होती है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली कॉज एसिडिटी, एसिडिटी के लिए, एसिडिटी के लिए किसका रीजन होता है सबसे ज्यादा, एसिडिटी के लिए सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, या मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है एसिडिटी का, सबको पता होगा, सबको पता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, सबको पता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4.5 कहां, 4.5 नहीं 5.6 है, 5.6 होगा, 4.5 नहीं है, एकदम सही बात है बी पार्ट, एसिडिटी के लिए सबसे ज्यादा ये होता है। अगला बता दीजिए, व्हेन एलम इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोएगुलेंट देन, पता है इस बार एसएससी जेई मेंस में ही क्वेश्चन आया था, एलम, व्हेन एलम इज एडेड, व्हेन एलम इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ कोएगुलेंट, जब आपका एलम इज ए फॉर्म ऑफ कोएगुलेंट होगा तो क्या होगा। एक बार सेशन को लाइक करिएगा अगर आपको चीजें समझ में आ रही, क्वेश्चन सही लग रहा होगा तो। सही है विजय, सबका सही, बताइए जब आप एलम यूज करते हो तो क्या होता है, और इससे ना कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, कम से कम इससे 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी करके दिखाऊंगा। नेगी, गुड, बहुत बढ़िया आ गए आप, सेशन को एक बार लाइक करिएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ पीएच, पीएच की वैल्यू क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कि बेसिसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, भाई बिल्कुल जरूरी है बेसिसिटी, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी जनरेशन ऑफ वाटर, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। डज नॉट इफेक्ट द पीएच, बिल्कुल इफेक्ट करता है, इंक्रीज नहीं करता भाई, रिड्यूस करता, ए पार्ट, गुड इवनिंग गीता। लेकिन इसके पीछे ये पूरी की पूरी रीजनिंग है, पीएच कैसे इंक्रीज करता है ये अब आपको बताने वाला हूं मैं, पीएच पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, देखिएगा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं एक एक चीज यहाँ पे आपको बता देने वाला हूँ, कि आपका पहले एलम का फॉर्मूला क्या होगा, एलम का यहाँ पर फॉर्मूला होगा Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, बाकी शायद ही आप लोगों को पता हो, अभी पूरी की पूरी मैं इक्वेशन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O, ठीक, जब ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आप एलम को यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, परमानेंट हार्डनेस इम्पार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, परमानेंट हार्डनेस आ जाता है। ओके, क्यों आ जाता है, और ये प्रेसिपिटेशन बनने की वजह से उसका पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इस वाटर के कारण क्या हो जाता है, ये CO2 के कारण क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, इस CO2 के कारण क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। अब समझ लीजिए इसमें से 3 क्वेश्चन बन गए, अब आपसे ये पूछा जाएगा जब आप एलम ऐड करते हैं ना तो क्या
इंक्रीज हो जाता, परमानेंट हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है कि टेम्परेरी हार्डनेस इंक्रीज हो जाता? परमानेंट हार्डनेस इंक्रीज हो जाता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये होता है कि पीएच पे क्या इफेक्ट पर डालता है, पीएच भी डिक्रीज हो जाती है। अगला क्या है, अगर आप एलम से रिएक्शन करवाते हैं तो आपका वाटर में एसिडिटी हो जाती है क्या? बिल्कुल हो जाती है, बता दीजिए एसिडिटी हो जाती है, कितनी हो जाती है भी बता दीजिए आप। ओके, अगला है, नोट कर लीजिएगा, रिएक्शन इंट्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस इन वाटर एंड वाटर बिकम कोरोसिव। कोरोसिव किसके वजह से होगा, कोरोजन किसके वजह से होगा, एसिडिटी की वजह से। याद रखिएगा, इसका डोज पूछ लिया जाता है 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें क्या होगा, पीएच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये बताइए, इसमें पीएच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? क्यों, पीएच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? और इसका पीएच का रेंज कितना होगा, 6.5 से 8.5। 1 ग्राम एलम गिव कितना देगा, 0.034 ग्राम या 0.24 ग्राम ऑफ एलुमिना हाइड्रॉक्साइड। एकदम सही है, पीएच क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या है? अब तो ये कंफ्यूजन वाला मैं डाल दिया इसमें आपको, क्या ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया यार? रिसर्च करो क्या होगा, रिसर्च करो क्या होगा, पार्ट ही सही है। चलो क्या ही रिसर्च करोगे, अगला बता दो, अगला बता दो, ये क्या है, द रेशियो ऑफ द फ्लो थ्रू पीरियड टू द डिटेंशन पीरियड इन सेडिमेंटेशन टैंक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ फ्लो, इसका रेशियो कितना, फ्लो थ्रू द पीरियड टू द डिटेंशन पीरियड। थ्रू द पीरियड एक पीरियड और डिटेंशन पीरियड के दौरान में सेडिमेंटेशन का टैंक में स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं? अरे यार, ये कहने का मतलब, ये एक पार्ट की लगा आया तो कितने समय यहाँ स्टे किया, कितने समय में सेटल डाउन हुआ, कितने समय में यहाँ पहले तैरता रहा ऐसे, उसके बाद कितने समय में सेटल डाउन किया, इन दोनों के रेशियो पूछ रहा, बताइए क्या बोलते हैं इसको? फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा, हाँ डिक्रीज होगा इसका, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। डी पार्ट, द रेशियो ऑफ फ्लो थ्रू पीरियड टू डिटेंशन पीरियड, फ्लो थ्रू पीरियड एंड डिटेंशन पीरियड सेडिमेंटेशन टैंक क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। वाह, हनु का सही है, मधु आपका गलत है, फैजान खान आपका भी है गलत, विजय यादव बी पार्ट सही है। आगे चलते हैं, बता दीजिए क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस इस टाइप ऑफ आरओ। आप घर पे आरओ पीते हैं ना, आरओ का पानी, घर उसे कहते हैं हम काहे का पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, क्यों, आरओ का पानी पीते हैं ना आप लोग, बताइए आरओ के बारे में बताइए ना फिर। अब आरओ का रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डेड इन फिल्ट्रेशन सिस्टम, आयन एक्सचेंज सिस्टम या क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम, बताओ। आप जब मार्केट में जाते हो, आपसे बोला जाता है भैया आरओ ले लीजिए, आरओ का फुल फॉर्म नहीं पता होता, लेकिन आरओ का फुल फॉर्म ये होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स क्या हो रहा, रिवर्स हो रहा, क्या हो रहा, रिवर्स हो रहा, फिर से यार कोई किसी का तो आंसर सही हो, ये बताओ आयन एक्सचेंज कहां से हो जाएगा, आयन एक्सचेंज मेथड कहां से हो पाएगा, ये बताओ। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होगा, हार्डनेस रिमूव करने का मेथड है, और इस हार्डनेस, और इसी से क्या होता है, जीरो हार्डनेस आप पाते हैं, क्या आपको मिलता है, जीरो हार्डनेस आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको, जीरो हार्डनेस मिलता है। क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या होगा, क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम, अवनीश पासवान का सही है, वेरी गुड यार, डी पार्ट कहां से होगा यार, माइक्रो फिल्ट्रेशन थोड़ो ना है, माइक्रो फिल्ट्रेशन थोड़ो ना। बी पार्ट, आयन एक्सचेंज मेथड में हार्डनेस भैया आप फाइंड करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस में ये फिल्टर वाला सिस्टम हार्डनेस वाला नहीं है। सी पार्ट सही होगा, सी पार्ट सही होगा। चलो देख लो ये पूरा का पूरा रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम करता है, देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को आपके घर पे आरओ बोला जाता है, आरओ में यहाँ पर ये प्रेशर यहाँ पर देते हैं, देखिए एक पहली लेयर होती है ठीक ना,
सेमी परमिबल मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये यहाँ पर मतलब ये देखिए ना, जीव जंतु जितने भी हैं वार वर्म सभी कलेक्ट कर लिया जाता है, और नीचे जो भी बचते हैं थोड़े बहुत बचते हैं ना, वो लोअर कंटेमिनेशन कंसेंट्रेशन होता है नीचे पे। ये आरओ प्रोसेस है। अल्ट्रावायलेट वाला भी आपने सुना होगा, अल्ट्रावायलेट वाला भी सुना होगा ना, उसमें क्या होता है, उसमें देखिए ना यहाँ से पानी जाता है, यहाँ पर ये एक पाइप होती है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज निकलती रहती है, समझ गया ना, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती रहती। स्टेनलेस स्टील क्यों यूज किया गया, इसके रीजन बता दीजिए। स्टेनलेस स्टील क्यों यूज किया जाता है? गुड इवनिंग आनंद। अंगद सर, डीडीए जेई के लिए नॉन टेक कहाँ से करें? या नॉन टेक अभी तक नहीं किए थे क्या कहीं से? यहां पर भी नॉन टेक चल रहा है अंगद, यहां पर भी तो चल रही है क्लासेस, ये बात समझ गया ना। ये स्टेनलेस स्टील इस वजह से होता है कि कोरोजन ना लग पाए, इस वजह से होता है कि कोरोजन ना लग पाए। ओके, क्या ना लग पाए? कोरोजन ना लग पाए। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। ये बता दीजिए, स्लो साइन फिल्टर द रेट फिल्ट्रेशन इज, स्लो साइन फिल्टर रेट फिल्ट्रेशन क्या है? इन स्लो साइन फिल्टर में रेट फिल्ट्रेशन क्या है ये बता दीजिए। स्लो साइन फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है? एकदम सही है एम एस शॉर्ट, एकदम सही है। एक बार सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, ये बताओ। यहाँ पर 30 लोग लाइव हैं और उसके जस्ट हाफ है, ए पार्ट अमीर का, बी पार्ट वाले तो नहीं होगा ये। 100 से 200 लीटर पर आर पर स्क्वायर मीटर, ठीक ना, पर आर पर स्क्वायर मीटर, ये बात सही। मुझे ये नहीं पढ़ाना था आपको, समझ गया ना, मुझे ये चीज़ नहीं पढ़ाना था, मुझे ये पूरा कुछ पढ़ाना था। और इस बार एस एस सी जेई के मेंस में ना यही क्वेश्चन आए थे, 15 नंबर में लिखने के लिए आया था कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, आज ये मैंने हटा दिया, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर दोनों में डिफरेंस आपको देखना था। नवीन नमस्ते, देखिए इसका बता दीजिए क्या था। प्री ट्रीटमेंट किसमें करना होगा? देखिए स्लो साइन फिल्टर में नॉट रिक्वायर्ड होगा एक्सेप्ट प्लेन सेडिमेंटेशन, याद कर लीजिएगा। इन दोनों से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। रैपिड साइन फिल्टर में क्या है? कोएगुलेशन, फ्लकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन तीनों होता है। बेस मटेरियल्स की बात अगर किया जाए, ग्रेवल बेस ऑफ द 30 to 75 सेंटीमीटर डेप्थ होगा विथ 3 to 65 mm साइज ऑफ ग्रेडेड ग्रेवल होगा, और ग्रेवल बेस कितना होगा 45 to 50 सेंटीमीटर डेप्थ होगा विथ ग्रेवल साइज वेरी फ्रॉम 3 to ये तो नहीं याद करना आपको, आपको ये पहला वाला याद करना था, और ये याद करना फिल्टर साइन में आपसे पूछ लिया जाता है इफेक्टिव साइज कितना होगा 25.25 से 0.35। ओके, और इधर क्या पूछ लिया जाएगा 0.45 से 0.70। दूसरे टर्म में ये पूछ लिया जाएगा कि इफेक्टिव साइज किसका ज्यादा होगा, स्लो साइन फिल्टर के ज्यादा होगा तो रैपिड साइन फिल्टर के ज्यादा होगा, तो आपको पता होना चाहिए रैपिड साइन फिल्टर का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म कोफिशियंट जस्ट अपोजिट होता है, इसका 3 to 5 होता है, इसका 1.2 से 1.7 होता है, इसका 1.2 से 1.7 होता है, ये भी बात याद रखिएगा। थिकनेस ऑफ द सैंड बेड की कितनी होगी 80 to 100 सेंटीमीटर, 60 to 75 सेंटीमीटर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अंडर ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात किया जाए, ओपन ज्वाइनिंग पाइप ये तो नहीं बात है, ठीक ना, और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये मतलब इसमें इफिशेंसी जो होती है 98-99% होती है, इसमें 80-90% होती है, ठीक। और ये गांव वाँव में छोटे शहरों में यूज किया जाता है, ये बड़े शहरों में यूज किया जाता है, ये सारा कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट मैंने ब्रैकेट पे किया ना, ये सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बाकी तो आपके पास तो नोट होगा ही, जितने भी पेड बैच के मेरे स्टूडेंट हैं उनके पास तो होगा ही। यहाँ तो 6 पॉइंट लिखा, वहाँ 15 पॉइंट लिखा था, ठीक। आगे चलते हैं, ये बता दीजिए विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच,
इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इनकरेक्टली मैच है। और एक चीज बता दूं, यहां पर आपके एग्जाम में वॉल्व से एक क्वेश्चन आना आना है। क्या है? वॉल्व से एक क्वेश्चन आएगा। चलो भैया इसका आंसर बताइए, वॉल्व से एक क्वेश्चन आना आना है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर बता दीजिए क्या है। एयर वॉल्व टू चेक द वाटर फ्लो इन पाइप, सही बात है, इन डायरेक्शन। चेक वॉल्व टू प्लीज द एक्युमुलेशन एयर इन द पाइप। सर्ज अरेस्टर कंट्रोल द वाटर, हाँ सर्ज तो यही काम में ही प्रोवाइड करवाया जाता है। सर्ज का है काम में प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे ये पाइप था यहाँ पर एक सर्ज प्रोवाइड करवा दिया, तो जो भी यहाँ से हैमर जनरेट हुआ यहाँ आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा या डिक्लाइन हो जाएगा। ओके तो आपका ये सही बात है। स्कॉर वॉल कहाँ, साइड में प्रोवाइड टू ड्रेन और इम्पटी द लाइन ऑफ द, जैसे आप आपका ये पाइप की सफाई करनी थी, सील्ड कितना है यहाँ पे, स्कॉर वॉल लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, स्कॉर वॉल लगा दीजिए। ओके ये पार्ट भी सही हो गया। एयर वॉल कहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है, आप मुझे बता सकते हैं? एयर वॉल आपका ऑटोमेटिकली काम करता है कि नहीं? क्यों? अगर आपका ये पाइप था तो आप ना एयर वॉल यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, और ऐसा क्यों है? और ये ऑटोमेटिक काम करता है क्योंकि होगा क्या, यहाँ पर वेपर प्रेशर जनरेट हो जाता है, और इस वेपर प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ पानी नहीं निकलेगा। इसको मेंटेन करने के लिए ना ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे यहाँ पर एयर ज़्यादा जनरेट हो गई तो एयर ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी, एयर क्या होगी ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल टाइम पे होगा, एकदम माला एकदम होगा। और यहाँ पर कौन सा पार्ट सही है, गलत है, बी पार्ट, चेक वाल इसके लिए नहीं होता। चेक वाल का ये काम होता है वन फ्लो डायरेक्शन या सिंगल डायरेक्शनल, या सिंगल डायरेक्शनल फ्लो। ओके एकदम सही बात, ये बता दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में एयर वाल तो बता ही चुका हूँ पीछे हायर पॉइंट पे, लेकिन अब मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा लोअर पॉइंट में मन हो रहा भाई, मेरा ये लोअर पॉइंट में मन हो रहा, यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ क्या मैं? अगर मेरा मन डेविड ऑन हिल लोअर पॉइंट पे हो तो क्या कर सकते हैं? क्यों डेविड, अगर मेरा मन कुछ इस तरह कह रहा है कि मैं लोअर पॉइंट पे लगा दूं यार, या ऑटोमेटिक ना करूं तो क्या होगा? अरे नीलेश भाई मराठी ना आते यार हमको, दिखा दो तो ठीक है। सुन लो क्या होगा, अगर आप लोअर पॉइंट पे मेरे भाई लगा दोगे तो एक तो पानी का इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा, पानी ही यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गया ना, पानी ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अगला बता दीजिए, द टर्म स्लज एज इज एसोसिएटेड विथ, जो स्लज एज है ना किससे एसोसिएटेड विथ है, किससे एसोसिएट करते हैं बताइए, जो स्लम एज है। स्लम एज इज एसोसिएटेड विथ, देखो आप इसका आंसर बताइए, और जब तक आप क्या कर सकते हैं, सेशन को एक बार लाइक कर सकते हैं। और मैं बता दूं, देखिए जैसे अभी आपका हरियाणा का पेपर है, ठीक ना, तो अगर जो भी मतलब ऐसा स्टूडेंट जो अपने आप को ये लगता है कि नहीं सर मुझे क्लास लेनी है, तो आप कर क्या सकते हैं, कैसे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बाद में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए आपको कोई ना कोई कोर्स तो परचेस करना पड़ेगा ही, वो चाहे जैसे भी हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, और हमारा वर्टिकल कौन सा, जेई और एई, जेई और नहीं, डिलीट नहीं होती भाई, आफ्टर लाइफ के बाद डिलीट नहीं होती, रहेगी यही में रहेगी। जेई और एई के जाने के बाद अगर आप महापैक लेना चाहते हैं या तो हरियाणा एसएससी लेना चाहते हैं तो हरियाणा एसएससी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इंजीनियरिंग का महापैक आप परचेज कर सकते हैं। महापैक हम आपको इसलिए सजेस्ट किया करते हैं क्योंकि यहाँ लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिल जाती है, बिल्कुल अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी इस महापैक में ना सारा कुछ मिल जाता है, कंटेंट जो भी आपको चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आप आपको देख रहा होगा 13,500 सर कुछ करिए, तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं तो करिए क्या, एक कूपन कोड है, एक क्या है, कूपन कोड है, ये कूपन कोड Y579, देखिए चाहे किसी भी टीचर का लगाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट सब में बराबर होगा, किसी में ऐसा नहीं कि स्पेशली आपको ज़्यादा मिल जाएगा, समझ गए ना। लेकिन अगर ये लगाएंगे तो ये होता है कि अगर आगे कोई समस्या आती है तो भी सॉल्व करने में आसानी होती है, ऊपर बात आप कर सकते हैं, समझ गए ना, ऊपर बात करने में कि हाँ सर ये कोड लगा था तो इस पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये हो जाएगा, ₹31 का मिल जाएगा। आ गया, बिल्कुल आ गया,
हाँ आनंद, ऐसा 800 करीब वैकेंसी आई है हरियाणा में जेई की, 800 वैकेंसी है। तो अगर आप चाहें तो हरियाणा का ओरिएंटेड बैच भी ले सकते हैं। चलो अपने यहाँ जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जो स्लज एज है ना इसकी, कैसे डाइजेशन पे कैसे, अगर ये स्लज पड़ा हुआ है, ये स्लज पड़ा हुआ है, ये स्लज पड़ा हुआ है, ये आपका स्लज है ठीक ना, हम इसका स्लज एज कैसे डिफाइन करेंगे। 880 है, देखो कपिल भैया ने बता दिया 880 है। अरे वो तो वैकेंसी स्लज एज, अगर यहाँ स्लज पड़ा हुआ है तो कितने समय में डाइजेस्ट हो जाएगा, यही क्या कहलाता है, स्लज एज कहलाता है। समझ गया ना, कितने समय में क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा स्लज एज, ये बता दीजिए। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर सीवेज इन, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, देखिए कल से, एसपी साहब मैं प्रयास करूंगा, कल से प्रयास करूंगा कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेकर आऊं मैं सब। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, कीट भच्छी, क्या कीट भच्छी, देखिए जो सीवेज में आपके बैक्टीरिया होते हैं ना, जो आपके सीवेज में बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं, कीट भच्छी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। अच्छा इसका मतलब क्या है, एनरोबिक मतलब, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनरोबिक मतलब क्या होगा, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये बता दीजिए। सेपरेट सॉयल पाइप एंड वेस्ट पाइप सिस्टम को क्या बोलते हैं, बताइए। सेपरेट, सेपरेट सॉयल पाइप और वेस्ट पाइप को क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैक सिस्टम बोलते हैं, वन पाइप सिस्टम सिंगल क्या बोलते हैं, या टू पाइप सिस्टम क्या बोलते हैं, बताइए, बताइए इसका जवाब। क्या है, सेपरेट सॉयल पाइप एंड वेस्ट पाइप को क्या बोलते हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये है आपका, देख लीजिए ये है आपका क्या, ये आपका सॉयल पाइप हो गया, ये आपका सॉयल पाइप हो गया, ये आपका सॉयल पाइप हो गया, ये आपका वाटर क्लोसेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाटर क्लोसेट हो गया, ठीक ना। ये देख पा रहे होंगे पाइप जो इस तरह से लगा होगा उसको सॉयल पाइप कहते हैं। चलो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता देता हूँ, ठीक सर, क्या डिफरेंस है नोट कर सकते हैं। सॉयल पाइप्स आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट द सॉयल्ड वाटर, मतलब ब्लैक वाटर जो काला होगा उस सॉयल पाइप लेके जाएगा, ओके, फ्रॉम योर टॉयलेट से, यूरिनल से, या यूर फैंसी सॉरी टॉयलेट से, यूरिनल से। वेस्ट पाइप आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट द वेस्ट वाटर, ग्रे वाटर, फ्रॉम योर सिंक से, सावर से, बाथरूम से, वॉशिंग मशीन से, एक्सेट्रा डिस्चार्ज। रियलिटी बताइएगा कि आपको ये बात पता थी आज के पहले कि सॉयल पाइप में, सॉयल पाइप और वेस्ट पाइप दोनों में अंतर क्या है। बस याद रखिएगा इसमें ना जो आपका लेटरिन वगैरह है वो सॉयल पाइप में आता है, जो नहाते वहाते हैं ना ये सारा कुछ किस में आता है, जो आपका बर्तन धुले या तो नहाने वहाने वाला जो पानी है, अरे ये आपको वेस्ट पाइप में आता है, ये कहाँ में आता है, वेस्ट वाले में आता है, ये कहाँ से आता है आपका, सॉयल में आता है, यही बात लिखा है, नोट कर लीजिएगा। सॉयल पाइप आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट द सॉयल्ड वाटर या ब्लैक वाटर, ठीक ना, फ्रॉम योर टॉयलेट यूरिनल से आता है उसको सॉयल पाइप कहते हैं। वेस्ट पाइप में क्या होता है, वेस्ट वाटर सिंक शावर बाथरूम ये सारा कुछ होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टू पाइप सिस्टम होगा, टू पाइप सिस्टम मतलब दोनों चीजें अलग अलग है भाई, दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें क्या है आपकी, अलग अलग है, हाँ एकदम सही बात है। अगला पार्ट ये बता दीजिए, वेट लैट्रिन इज नोन एज, बताइए वेट लैट्रिन इज नोन एज, हाँ बिल्कुल सही बात है,
इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अरे वाह, डेविड ऑन हिल, फैजान सही नहीं है आपका, यूनिक एक्वा प्रीवी, इक्वा प्रीवी बोलते हैं इसको, इक्वा मतलब पानी होता, प्रीवी मतलब आपकी लैट्रिन होती है, ठीक ना, वेट लैट्रिन। यार सिंपल सी बात है, वेट मतलब क्या है, गीली, वेट मतलब क्या है, गीली, तो भाई एक्वा मतलब क्या होता, पानी, पानी के द्वारा ही तो गीली होगी क्या। चलिए आगे बढ़िए यार, क्या ही बात बताऊं आपको मैं, कैसे हो यार, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आप कर पा रहे हो जो आपके दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है। इसका आंसर द स्मॉल टाउन द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ द सीवेज, स्मॉल टाउन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सिस्टम कौन सा होगा? क्यों, इसका बता दीजिए क्या होगा, द स्मॉल टाउन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सीवरेज सिस्टम कैसा होगा, सेपरेट होगा, कंबाइंड होगा, ये तो होता ही नहीं, पार्शियली सेपरेट सिस्टम कौन सा होगा? कौन सा होगा? एसपी आपका सही है, थैंक यू यार, एसपी के सही, मधुवधु यार कंबाइंड कहां से होगा यार, पार्शियली सेपरेटेड सिस्टम होगा, क्या होगा, पार्शियली सेपरेटेड सिस्टम होगा, कौन सा सही होगा, पार्शियली सेपरेटेड सिस्टम, बी पार्ट कंबाइंड सिस्टम नहीं होगा, डी पार्ट होगा, सूरज ने भी इसको कंबाइंड नहीं होगा, नवनीत डी होगा भाई, अनु बी कैसे होगा, कंबाइंड नहीं होगा, स्मॉल टाउन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सिस्टम पार्शियल सेपरेटेड सिस्टम होगा, डी पार्ट आपका सही होगा, डी पार्ट आपका सही होगा। अगले में बता दीजिए, बता दीजिए, फॉर अ ग्रिड चैम्बर इफ द रिकमेंडेड वेलोसिटी आपका कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम पीरियड कितना है 2 मिनट है, देन लेंथ ऑफ द चैम्बर बताइए, लेंथ ऑफ द चैम्बर बताइए, लेंथ ऑफ द चैम्बर बताएंगे। आज क्वेश्चन ठीक थे ना, क्यों ठीक थे, बहुत लोगों के गलत हुए, आज कई बच्चे नए भी यहां दिखे, आज कई बच्चे यहां पर नए दिखे, कंबाइंड में ये प्रॉब्लम होगी यार, स्मॉल छोटा सा गांव है, उसमें बरसात का पानी इन दोनों को नहीं मिक्स करते ना भाई, नहीं मिक्स कर पाएंगे, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा, आज कई बच्चे यहां पर नए, कल इससे भी तगड़े क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ गए ना, कल इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट करवा देंगे, ठीक, इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट करवा देंगे तो इन्वायरमेंट का रिवीजन आपका हो जाएगा, और इसके बाद फिर से क्या लेकर आए, बीएमसी पूरा करवा देंगे 1 से 2 दिन में, बीएमसी के बाद आरसीसी करवा देंगे, मतलब देखिए जो जो सब्जेक्ट में है वो सभी कुछ हम, मैं चाहूँगा अपने तरफ से कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका तैयार करवाया जाए, समझ गया ना भाई, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका तैयार करवाया, देखिए मैं जितना मेहनत कर सकता हूँ उतना करूँगा, और सैटरडे वटरडे तो आपका 100-100 क्वेश्चन का रिविजन करवा देंगे, ठीक, इसके बता दीजिए, कुछ है ही नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको पता है यहाँ पर क्या निकालना, लेंथ निकालना है, तो क्या मेरे भाई V into T कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, तो 2-4 इन्होंने आंसर ही नहीं सेट कर पाते तो क्या करेंगे, ये आंसर ही नहीं सेट कर पाते भाई, हाईवे करवा दें जी, वो आप कहें, ये आंसर ही नहीं सेट कर पाते, वेलोसिटी कितनी है आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 2 मिनट है, मिनट को सेकेंड में चेंज कर दीजिए, सेकेंड सेकेंड कट गया, 6 × 12 = 24 कहीं दिया है क्या, सी पार्ट आपका, अब यही जगह आप गलती करते हैं, यही जगह आप गलती करते हैं, समझ गए ना, बिल्कुल ले आएंगे भाई, देखिए मैं लाने के लिए तैयार हूं, बस आपका पूरा का पूरा सहयोग चाहिए, समझ गया ना, जिस दिन आपका सहयोग मिलने लगेगा मैं तो YouTube पर 2-2 घंटे पढ़ाने को तैयार हूं, बस यही है, देखिए होता क्या है कि अगर क्लास व्लास लेकर आए ना तो भाई आपकी जिम्मेदारी बन जाती भाई, रिविजन वगैरह, मतलब यहां पर क्राउड लाना या लाइव सब्सक्राइब, ये सब आपकी जिम्मेदारी बन जाती मेरे भाई, चलो अभी देख रहा हूं कोई लाइक ही नहीं करता, इसका क्या है, इन सैनिटेशन मैन होल अपरेटस फॉर मैन होल क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है, पहले तो एक बात ये जान लीजिए, मैन होल क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है, एक्चुअली
इंस्पेक्शन करने के लिए, या तो पहला तो क्या है इंस्पेक्शन करने के लिए, दूसरा ये होगा जैसे इसका डाया छोटा है अगला डाया बड़ा है तो यहाँ पर इसके लिए, या तो होगा क्या कि यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, अपर लोअर होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर भी आप इस तरह का डाया यूज करते हो तो काहे के लिए आप प्रोवाइड करवाते हैं ए कैम्बर टू प्रोवाइड कंट्रोल वाल, नहीं यार कंट्रोल वाल मेंटेनेंस ऑफ द सीवर लाइन ए होल मेड बाय मैन सीवर लाइन ये सब ब्लॉकेज। कौन सा आंसर सही होगा? बी पार्ट एकदम सही है, मेंटेनेंस के लिए किया जाता है सीवर लाइन को। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है क्या, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है क्या कि अब आप बताइएगा डेप्थ ऑफ मैन होल, डेप्थ ऑफ द मैन होल और डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर डेप्थ ऑफ द मैन होल 0.7 से 0.9 है तब क्या होगा 1.5 ग्रेटर देन 1.5। देखिए डीप मैन होल किसको बोलेंगे, जब 1.5 मीटर से ज्यादा होगा तो डीप मैन होल बोलेंगे, और 1.5 होगा तो नॉर्मल या मीडियम, 0.7 से 0.9 है तो शैलो मैन होल बोलेंगे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बता दीजिए डीप मैन होल किसको बोलते हैं, डीप मैन होल किसको बोलते हैं जब इसकी डेप्थ किससे ज्यादा हो 1.5 मीटर से ज्यादा हो जाए, डेप्थ किससे मीटर ज्यादा हो जाए 1.5 मीटर से ज्यादा हो जाए। अगला क्वेश्चन बता दीजिए इंदौर मेथड कंपोजिट ट्रैक, इंदौर मेथड बता दीजिए, इंदौर मेथड को कंपोजिट करने के लिए कितने महीने लगते हैं, बताइए इंदौर मेथड। देखिए इंदौर मेथड जो आपका है ना, एक तो आपका बेंगलोर मेथड है, बेंगलोर मेथड आपका एनरोबिक होता है, इंदौर मेथड आपका कैसा होता है ये एरोबिक होता है। एरोबिक मतलब ये कि यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन अब्सेंट होती है मतलब बाहर की ऑक्सीजन नहीं ले सकता, बाहर की ऑक्सीजन नहीं ले सकता, तो आपका जो इंदौर प्रोसेस है एरोबिक है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो यह कम से कम 4 महीने लेगा डिकम्पोज करने के लिए, कितना लेगा 4 मंथ लेगा, कितना लेगा 4 मंथ लेगा, और ये तो ज़्यादा ले लेता है, ये आपका एरोबिक होगा या आपका एनरोबिक होगा, याद रख लीजिएगा। कैसे मैंने याद किया था, अनबन, क्या अनबन, बेंगलोर वाला क्या है अनबन, अनबन मतलब एनरोबिक और बेंगलोर। ओके चलो आगे चलते हैं, द कलर ऑफ द स्टेबल एंड सेप्टिक सीवेज, कलर कैसे होता है ये बता दीजिए, इसका स्वाद कैसे होता है ये बता दीजिए, इसका स्वाद कैसे होता है भी आप बता सकते हैं, क्यों मेरे भाई इसका स्वाद कैसे होता है, कोई ऐसा मेरा स्टूडेंट जिसने कभी ट्राई किया हो, किसकी किसकी जोरो किसका किसकी गट आप पूछ रहे हो, देखिए यहां पर क्या है ब्लैक और डार्क ब्राउन यार, ये बता दीजिए, ये तो बता ही चुका हूं आपको मैं कि एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल, एरोबिक मेथड कौन सा है, अनबन नागपुर मेथड इंदौर मेथड है, इंदौर यार दो ही मेथड तो पढ़ाया गया है, ये दोनों मेथड थोड़ा ना पढ़ाया गया, भोपाल मेथड नागपुर मेथड कानपुर मेथड इलाहाबाद मेथड, ऐसा थोड़ा नहीं है, नहीं पता ट्राई करिएगा कभी कभी ट्राई करिएगा, ये बता दीजिए नो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन इफ द डाइल्यूशन फैक्टर किससे ज्यादा हो, कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है जब डाइल्यूशन फैक्टर किससे ज्यादा हो मोर देन 500, कितना मोर देन 500, ये कम से कम 500 बार क्वेश्चन भी आ चुका है, किसके बार 500 बार क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ओके चलो अगले पार्ट में आ जाते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कंसिस्ट ऑफ, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज कंसिस्ट क्या रखता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल, रिमूवल ऑफ सैंड ऑफ ग्रिड या रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑल ऑफ दीज यार, प्राइमरी सीवेज क्या रखता है, प्राइमरी सीवेज क्या रखता है, सब कुछ रखता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रखता है सब कुछ रखता है, फ्लोटिंग मटेरियल सैंड ऑफ ग्रिड रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ऑल ऑफ एबव, क्या रखता है ऑल ऑफ एबव, सभी कुछ रखता है। ओके चलो अगले पार्ट में आ जाते हैं, द यूनिट इन विच द बोथ सेडिमेंटेशन और डाइजेशन, सेडिमेंटेशन देखिए आपका सेडिमेंटेशन किस में होता है, सेप्टिक टैंक में होता है, लेकिन यहाँ टैंक में क्या होता है दोनों होता है, सेडिमेंटेशन भी होता है डाइजेशन भी होता है, ये सेप्टिक टैंक का नया वर्जन है, सेप्टिक टैंक का क्या है नया वर्जन है, यहाँ पर देखिए ये डाइजेस्ट भी हो रहा है और यहाँ पर सेटल भी हो रहा,
सेडिमेंट भी हो रहा है, डाइजेस्ट भी हो रहा है। याद रखिएगा, स्कीमिंग टैंक में क्या करते हैं आप, ग्रीस वगैरह स्कीम करते हैं। ये देख लीजिए, दिख रहा है द इमहाफ टैंक। इमहाफ टैंक इज रिलेटिवली सिंपल एनरोबिक, सिंपल एनरोबिक सिस्टम दैट वाज यूज द ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर हीटेड डाइजेस्टेड वेयर डेवलप इट इज स्टिल यूज फॉर द प्लांट ऑफ द स्मॉल कैपेसिटी। ओके, डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोथ टैंक इज द इमहाफ टैंक आर मेनली फॉर मीडियम पॉल्यूशन पॉपुलेशन के लिए सीवेज एंड सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड पॉल्यूशन, व्हाइल सेप्टिक टैंक आर फॉर स्मॉलर पॉपुलेशन के लिए, स्मॉलर जगह के लिए। ओके, चलो अगले पार्ट में आ जाते हैं। ये बता दीजिए द मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ कितनी होगी? सबको पता है 75 सेंटीमीटर, सबको पता है 75 सेंटीमीटर। इंप्रूवमेंट ओवर द, हाँ एकदम सही बात, एकदम सही बात है मेरे भाई। डीडी नहीं भाई, ऐसे कटाप मैं कैसे बता दूं मेरे भाई, आप बताओ मैं ऐसे कटाप कैसे बता दूं, आप खुद बताओ मैं ऐसे कटाप कैसे बता सकता हूं। बी पार्ट एकदम सही है। डिटेंशन पीरियड कितना होगा इसका अगर बात किया जाए, डिटेंशन पीरियड कितना होगा इसका, अगर डिटेंशन पीरियड की बात किया जाए 12 से 36 घंटे होगा। याद रख लीजिएगा 12 से 36 घंटे होगा। एक आदमी के लिए कितना मेजर करते हैं, 90 से 150 लीटर पर कैपिटा पर डे होगा। वॉल्यूम कैसे होगा, डिस्चार्ज इनटू टी। डेप्थ इज एज्यूम 1 से 2 मीटर, डेप्थ इज एज्यूम 1 से 2 मीटर। ये भी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर कैसा लगा सेशन, क्यों मेरे भाई कैसा लगा सेशन, फिर से एक बार देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि इंटरेस्टेड हैं कोर्स को परचेज करने में, या तो उनको लगता है कि सर हमें तैयारी करना है और एक लेवल पे तैयारी करना है, उनके लिए सबसे बढ़िया है कि अभी जैसे वो हरियाणा को परचेज करना चाहते हैं तो जाइए हरियाणा में, हरियाणा का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, हरियाणा का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, और जाओ अपने आप को इनरोल कर लो। कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 लिखा है तो दो चार लड़के तो ऐसे ही पेड कर देते हैं 10,000। सेशन कैसा लगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा, और जो भी नए बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर मुझे क्लास परचेज करनी चाहिए तो जाओ Y579 यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और मेरे गाइडेंस में आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा, 22-23 रुपये का पड़ेगा, ठीक ना। लव यू फ्रॉम एंड ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप कल 5 बजे मिलना मत भूलिएगा, जुड़ना मत भूलिएगा। कितने बजे? कल 5 बजे। कल इससे भी तगड़े क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आज तो थोड़ा बहुत सिलेबस कवर करवाया हूँ, कल और भी बचा हुआ सिलेबस सारा कुछ कवर करवा दूंगा मैं। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल। ओके, मिलते हैं फिर।